मध्य प्रदेश के दमोह से खबर आ रही है, जहां पाटन गांव के लमती नाला के उस पार बाढ़ के कारण फंसी गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया गया। वहीं एसडीआरएफ, स्वास्थ्य टीम, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे। बता दें कि स्वास्थ्य अमले द्वारा गर्भवती महिला की मौके पर ही जांच किया गया, साथ ही महिला की स्वास्थ्य परीक्षण कर 108 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदियाड़ो लाया गया। सुबह आज न्यूज से पता चला कि एक महिला जिसका पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है और नाला तूफान होने के कारण वो प्राइमरी सेंटर या फिर सीएच खड़ा नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी सूचना मैंने तुरंत एसडीएम साहब से और अपने स्वास्थ्य अमले को दी और सभी एकजुट होकर आए और उसको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से सीएच हटा पहुंचाया गया है। महिला अभी प्राइमरी ठीक है और बाकी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चल पाएगा। स्थानीय सूचना और मीडिया के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गर्भवती महिला जो कि ग्राम पाटन की निवासी है, वो प्रसव पीड़ा में थी और अतिवृष्टि हो जाने के कारण यहाँ पर नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वो गांव में फंस गई थी। तो उसमें तत्काल जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसडीआरएफ की टीम, राजस्व की टीम, मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की टीम, ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे और उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। अभी उसकी प्रारंभिक जांच की जा रही है, जहाँ पर वो महिला स्वस्थ